ये वीडियो आपको तभी समझ आएगी अगर आपने इसका पिछला पार्ट देखा है, जो कि मैं कुछ घंटे पहले चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो देख लिया तो आप इस वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं, नहीं तो पहले जाके वो पार्ट देखें और फिर ये वाली वीडियो देखें तो आपको ये सही से समझ आएगी। एंजॉय। ओए होए होए, ये तो बहुत वजनी है। सिर्फ आधा किलो कढ़ाई है इसके अंदर और इसका एक हाथ से मुझसे प्रॉपरली उठाया नहीं जा रहा है, इतना वजन। ओए बहुत गर्म है यार। हम लोग वापस मिनापिन में पहुंच चुके हैं और वहां पे मैंने जो अपने गोप्रो का माइक जो है वो निकाल दिया था, क्योंकि हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी तो जब माइक लगा होता है तो गोप्रो उस टाइम पे वो वाटरप्रूफ नहीं होता, तो इसलिए वो उतार दिया था, तो कोई बातें नहीं हो सकी। अभी फ़िलहाल मिनापिन के अंदर ओशो थांग, ये एक रेस्टोरेंट प्लस होटल है, यहाँ पर कढ़ाई बनती है कोई 200-300। इतना खूबसूरत परिंदा यार, एक सेकेंड, काश मैं इसको शूट कर लूँ हल्का सा। ओए होए होए, मुझे उस परिंदे का शॉट मिल गया जूम करके। ये कोई कवा टाइप है और उसका जो कलर है वो वाइट और पीछे से सारी बैक उसकी ब्लू है और जो हेड उसका है वो सारा ब्लैक है। ज़िंदगी में पहली दफ़ा, आवाज़ भी कवे वाली है, ज़िंदगी में पहली दफ़ा इस तरह का कवा देख रहा हूँ मैं। उर्दू में इसका नाम मुझे नहीं पता, हमारे ज़बान में इसको गशप बोलते हैं। आपकी ज़ुबान में क्या बोलते हैं इसको? गशप। गशप यार, कोई हमने सुना है कि आपके इधर ना ओशो थांग के अंदर एक कढ़ाई मिलती है कोई वो 200-300 साल पुराने बर्तनों में। गोरकोन सर। क्या? गोरकोन। गोरकोन जी सर। क्या कितने साल पुराने बर्तन में मिलती है वो? मैक्सिमम कम से कम 200 साल। 200 साल पुराने बर्तनों में, तो वो अभी तक कैसे संभाले हुए बर्तन? बस वो पत्थर है सर, पत्थर का बर्तन है सारा। तो वो मिलेगी अभी? जी मिलेगी, वो केजी के हिसाब से बनाते हैं। तो वो क्या पर केजी है? 3,000 का पर केजी, उसके अंदर सलाद चपाती खवा सब मिला के, सब मिल के वो है। 3,000 का मटन या चिकन? मटन। तो आप कौन सा बोलोगे खाने को, चिकन या मटन? वो आप पर डिपेंड करता है सर, आप कौन सा। सर ये ऑर्गेनिक गोश्त है, यहाँ का लोकल गोश्त, इसके अंदर हम टमाटर प्याज अदरक लहसुन सब कुछ कटे ही अंदर डालते हैं, अंदर डाल के पकाते हैं, और ये वॉलनट ऑयल और इसके अंदर देसी घी इस्तेमाल करते हैं। बाज़ार का कोई ऑयल वगैरह, सिर्फ नमक बाज़ार का होता है, बाकी कोई चीज़ इसके अंदर। जी जी बकरा बिल्कुल, हम बाज़ार से गोश्त नहीं लाते, लेकिन हमारे पास 4-5 ठेकेदार है, वारी वारी हमें गोश्त ला के देते हैं। यहाँ लोकल गोश्त होता है हमारे पास, बाज़ार गिलगित से या गुड़ से इधर इधर से नहीं लाते। वो भी तैयार किया है। हमारे पास 200-300 साल पुराने बर्तन की जो है मटन कढ़ाई बनी हुई आ गई है। इधर चिकन भी होता है और मटन भी होता है, मटन असल में लोकल जो बकरे यहाँ पे फिर रहे होते हैं ये उनका गोश्त है, तो हमने सोचा कि ज़रा देखें कि यहाँ वाला जो मीट है वो कैसा है, क्योंकि चिकन जो है वो सारा ये मंगवाते हैं, वही ब्रॉयलर जो मुर्गियाँ होती हैं गिलगित वगैरह से, इस साइड से मेरे ख्याल आता है वो सारा इनका। अभी तक स्टिल जो है वो अपने बर्तन के अंदर ये पक रहा है इस तरह, मतलब वो इतना ये, क्योंकि बर्तन जो है पत्थर का है तो इतनी आसानी से वो ठंडा नहीं होता और इतनी ही मुश्किल से ये गर्म होता है, पहले इसको पत्थर के बर्तन
बर्तन की वजह से ये उसको आग पे रखते हैं और तकरीबन ये कोई 20-25 मिनट वो गर्म होता है पहले, फिर उसके अंदर ये सारा मीट और जो भी मसाले कोई बाहर के डालते नहीं है, टमाटर अदरक इस तरह की चीज़ें सारी मिक्स करके डाल देते हैं और वो तकरीबन ये 40 मिनट्स के बाद हमारे पास आई है, कोई 40-45 मिनट ये पकता है। और अब खाने देखने में मुझे बड़ा आला लग रहा है, अभी खा के देखते हैं। है ये जिस तरह घर का किचन होता है उसके अंदर बना हुआ, रोटी भी जिस तरह घर की होती है वही वाला सारा सीन है इसका। ओए मज़ेदार यार, ये इसकी टेंडरनेस का लेवल ये है कि उसको हल्का सा खींचे और वो बाहर। यार इतना टेंडर मीट जो है ना, मटन मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं खाया। उसको मैं हल्का सा दांत के अंदर प्रेस कर रहा हूँ तो वो इस तरह बिल्कुल फ्लफी सा मीट है, जैसे आपको लग रहा है पता नहीं कितना ज़्यादा वो स्टीम हुआ हुआ है या क्या चक्कर है। और जो ग्रेवी है वो बड़ी इस तरह नमकीन सी, टमाटर का टेस्ट है बीच में, बड़ा ऑथेंटिक सा। ये अली भाई जो है ये मटन के शौकीन नहीं है, बताएं ज़रा कैसा मटन बना हुआ है। बिल्कुल चुई नहीं है, हाँ खाओ और ऐसे मलाई सी लग रही है ना, इतनी ड्राई रोटी है, वो आटा इनका ऐसा हो गया जो भी सीन है, बहुत ड्राई रोटी है लेकिन मटन कमाल हो गई यार। वो एक बीच में अरोमा फील करवा रहा है जैसा बना पत्थर में है या जो भी सीन है, एक अलग सी बीच में ना वो एक है बड़ा मज़ेदार किस्म का एक टेस्ट। ऊपर जब हम स्टेडियम गए थे तो जब कोई थोड़ी देर खड़े हुए हैं उसके बाद बारिश हल्की हल्की शुरू होगी और हाथ और हमारा जो सारा जिस्म है वो मतलब नाक से जो है पानी चलने लग गया था और हाथ इस तरह सुन्न हो रहे थे कि इतनी ज़्यादा ऊपर सर्दी हो गई थी। अभी नीचे आके वो तसल्ली हो रही है ये मटन खा के और हल्की हल्की धूप निकली हुई है, बड़ी मज़ेदार सीन चल रहा है। मटन नहीं खाता, उसकी रीज़न एक मेन ये है कि एक स्मेल होती है हल्की, हाँ अक्सर, तो इसमें बिल्कुल स्मेल नहीं है ना, बिल्कुल स्मेल भी नहीं है और एक वो ना मीट का वो जो मज़ा है बीच में वो मज़ा, और फिर जैसे वो मुंह में डाल रहे हैं और वो ख़त्म, रोटी रह जाती है, गोश्त तो ख़त्म हो, गोश्त ऐसे निकलता है वाकई। खाना शाना हमने अपना खा लिया और अभी हम लोग जाएंगे अपने होटल वापस, कपड़े शपड़े बदलेंगे फिर आगे देखते हैं क्या करना है। और बिल हमारा बना है जी 1700 की हाफ के जी मटन कढ़ाई थी, मटन गोर खान कढ़ाई नहीं गोर खान। हम पहले सोच रहे थे कि किलो मंगवा लें लेकिन भाई आधा किलो बहुत ज़्यादा थी, बड़ी अच्छी खासी क्वान्टिटी थी और 100 का 10 था। चल भी शिक्र बहुत रेस्ट कर लिया तूने। अभी ये प्लान है कि हम लोग अपने गेस्ट हाउस वापस जाएंगे, वहाँ पे जाके ज़रा अपने कपड़े शपड़े हम चेंज करेंगे। ये गियर हमने सुबह भी सोचा था कि अपनी कोई जैकेट और ट्राउज़र पहनते हैं लेकिन फिर हमने कहा कि ऑफ रोड होगा तो इसलिए गियर पहन लिया था, और शुक्र है गियर पहन लिया क्योंकि ऑफ रोड बड़ा ही शदीद किस्म का था। अभी हम जाके चेंज करेंगे और फिर हमारा क्या प्लान है वो देखते हैं। आज तकरीबन 5 दिन बाद हमने अपने नॉर्मल कपड़े पहने, मतलब ट्राउजर शर्ट तो हम रात को पहनते हैं लेकिन गियर से हम 5 दिन बाद दोबारा ये वाले जूते। फिलहाल टाइम हो रहा है 5:11 और हम लोग यहाँ पे होटल में बैठे हैं, यहाँ पे चाय शाय पी रहे हैं, कड़क किस्म की चाय आई है, पत्ती ठोक के पता नहीं ठोक के, लेकिन ये इतनी खामोशी है यहाँ पे और ऐसे खूबसूरत बादल पहाड़, बड़ा मज़े का सीन है। अभी बाइक्स हमारी यहाँ पे रेडी हैं, बाइक्स तो रेडी हैं, हमने रेडी होना होता है। और क्या प्लान है जी, अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी इंशाल्लाह करीमाबाद चलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जाके देखते हैं, कुछ खाएंगे फिरेंगे। हाँ, क्योंकि आज का दिन मतलब इतना मज़ेदार अभी तक हमारा दिन गुजरा है, आपको पता नहीं कैसा लगा होगा। अभी 5:15 हो रहे हैं, हमने सोचा क्या यहाँ पे एक चाय पी ली, बैठ लिए रूम में बैठ लिए, अभी चलते हैं ज़रा यहाँ से 25 किलोमीटर हुंजा, ज़रा हुंजा का एक चक्कर लगा के आते हैं, करीमाबाद के अंदर कोई चाय कॉफ़ी एक पी के आते हैं, ज़रा एक राइड हो जाएगी अच्छी सी और थोड़ा करीमाबाद को देख लेंगे क्योंकि मेन स्पॉटलाइट हमने करीमाबाद को इस पूरे टूर में नहीं देनी, तो हम सोच रहे हैं कि अभी जाके जो है ना एक 15 मिनट का चक्कर लगाते हैं, उसके बाद फिर कल हमने आगे निकलना है। हम रखवा
यहाँ से हम लोग दोबारा जो है वो कराकरम हाईवे के ऊपर आ गए हैं और ये दोबारा से क्रीम मक्खन मलाइयाँ रोड। जहाँ तक मुझे लगता है वो जो बड़ा वाला पहाड़ है सामने वो करीमाबाद से नज़र आता है। ये करीमाबाद हम लोग एंटर हो रहे हैं इस तरफ नीचे। हाँ ये रास्ता सीधा वहाँ जाता है आगे पशु और रताबाद वगैरह को जो नीचे चला गया और ये हम ऊपर आए और आगे है हुंजा में तो हम हैं लेकिन आगे मेन करीमाबाद बाज़ार है जहाँ की सैर करने के लिए हम लोग आते होते हैं। अच्छा इस पूरे इलाके की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ पे हर कोई 10-15 किलोमीटर बाद या इवन एक एक मोड़ के बाद जो है ना वो पूरा पूरा सीन चेंज हो जाता है। अभी हमारे वहाँ से आते आते जो है ना वो ऐसे ऐसे बादल मतलब चेंज हुए हैं। अब एक तरफ ये इतना खूबसूरत ये व्यू है जिसमें वो पहाड़ छुपे हुए बादलों के अंदर और ब्लू ब्लू सा है और इस तरफ अगर ऊपर देखो तो यहाँ पर सारे काले बादल हैं। मतलब यहाँ पर बंदे को यकीन यार ये कौन से हैं ये कैंप बड़े खूबसूरत हैं ये। मुझे अभी तक इस पूरी सीरीज़ में जो है ना ख़तरा ये कि मैं अपनी पहली दफ़ा जो है ये गोप्रो के साथ आया हूँ इस साइड पे तो गोप्रो का एंगल बहुत ज़्यादा वाइड होता है तो ये चीज़ों को ना बड़ी दूर दूर करके दिखाता है तो पता नहीं ये उस तरह चीज़ों को वो आपको जाइंट फील करवा पा रहा है या नहीं करवा पा रहा। लेकिन भाई ये नहीं बंदे की आंखों को यकीन होता कि ये क्या है ये सारा कुछ। वो राका पोशी है जिससे हम इतना दूर आ चुके हैं पहले हम उसके बिल्कुल पास थे। यार ये सामने देखो ऊपर अच्छा मैं ज़िंदगी में पहली बार आया था ना 2016 में यहाँ पे तो इस जगह के ऊपर एक होटल होता था यहाँ पे हमने स्टे किया था अब वो नहीं है। और हाँ पहली दफ़ा ज़िंदगी में हुंजा में मैंने इस जगह खड़े होकर पिक्चर ली थी और ये वाला व्यू था। तब तो असल ही नहीं यकीन होता था कि ये सारा कुछ क्या है। पहली दफ़ा अगर आप देखो ना तो अब बंदा घूम जाता है एक दफ़ा। ये सामने सारा करीमाबाद बाज़ार नज़र आ रहा है। अच्छा ये अभी ऑफ सीज़न है इस वजह से हमें ये कितना खाली खाली सब कुछ मिल रहा है वरना यहाँ तक आपको जो ट्रैफिक की लाइनें मिलनी शुरू हो जाती हैं गाड़ियों की। हाँ यहाँ सारी गाड़ियों की लाइनें होती हैं जो लोग गाड़ियाँ खड़ी करके आगे पैदल जाते हैं। ये सही मज़ेदार सीज़न है ये यार यहाँ पर आने के लिए। वो यार ये किस तरह सब कुछ खाली पड़ा हुआ है इतना खाली हुंजा मैंने कभी नहीं देखा। पूरे बाज़ार ये ख़त्म है तो ऊपर पार्किंग में लगाते हैं चलो। ओए ये रास्ता जाता है बलतीत फोर्ट को और यहाँ पे चढ़ते चढ़ते बंदे की अखीर हो जाती है और अनबिलीवेबली शिकरा 1% फील नहीं करवा रहा कि मुझे कुछ हो रहा है। ये इतना ज़्यादा स्टीप है ये पूरा रास्ता ऐसे है बिल्कुल। ये बंटी और जवाद इस टाइम वीडियो देख रहे होंगे तो दोनों यहाँ पे जा यहाँ तक वो नीचे बाज़ार से यहाँ तक चढ़ते चढ़ते 15 दफ़ा रुके थे। ये जी हुंजा करीमाबाद का फुटबॉल ग्राउंड और यहाँ पे इस टाइम बॉयज़ जो हैं वो प्रॉपर अपना हैवी इस टाइम मैच कर रहे हैं। करीमाबाद में ऑथेंटिक जो है वो इनका लोकल फूड खाने के लिए हुंजा पवेलियन है। आंटी ये कब तक खुला है खाना कब तक मिलेगा? रात को 12 बजे 12 बजे तक ना ठीक है यहाँ से खाना खा के निकलेंगे। आपने मेरी अगर पिछली हुंजा की सीरीज़ देखी है तो उसके अंदर हमने इनके खाने खाए थे बड़े मज़ेदार खाने होते हैं इनके। क्या हाल चाल है? देख लो मैं कुछ ही महीनों में दोबारा तुम्हारे पास आ गया हूँ करीमाबाद। वेलकम। ये इसका नाम क्या था होटल का? ट्री हाउस। ट्री हाउस आप भूल गए?
यार वो थोड़ा सा आपको देख के मैंने दूर से पहचाना, नहीं ये जगह नहीं बोली है, वो नाम अभी जहन से निकल गया। अभी हम लोग करीमाबाद में ट्री हाउस पे चाय पीने के लिए रुके हैं। अगर आपने हुंजा सीरीज मेरी पहले वाली देखी हुई है तो उसके अंदर हम लोग डेली यहाँ पे जब करीमाबाद में होते थे तो यहाँ पे खाना खाते थे। और ये जो बॉय ये मेरी तब की वीडियो में बड़ा, इसके साथ हमने शुगर चो पैक लगाया था। अभी फिलहाल यहाँ से ये जो पूरा व्यू है हुंजा का, इसमें जो बड़े बड़े पहाड़ हैं ये सारे फिल हो जाते हैं बर्फ़ से दिसंबर जनवरी में। तो ये बर्फ़ जो है यहाँ से फिर वो पिघल के सारी ख़त्म होती है। अभी दोबारा वो कह रहे हैं कि ये स्नो पिघल के नीचे आ जाती है, मार्च अप्रैल में पिघल के नीचे आती है। ठीक है, सही है। तो मार्च अप्रैल में ये पूरे पहाड़ों से बर्फ़ पिघल के जो है वो नीचे आती है, और इसकी अभी जो कोन्स हैं वो अभी भी बर्फ़ से भरी हुई है। बड़ा खूबसूरत मंज़र है और हवा बहुत तेज़ है यहाँ पर, तकरीबन 2-3 टेम्परेचर है ना, 2-3 होगा। हाँ, तो मैंने अभी नेट पे चेक किया था तो हुंजा का शो कर रहा है कि रात में 1-2 और दिन में कोई 6-7। तो कानों का कलर नजर आ रहा होगा, कान भी लाल है और हाथ भी साथ नहीं है। ओए होए, चाय पी लें थोड़ी सी, यहाँ पे बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है चाय। अरे टूर की अभी तक बेस्ट चाय जो ये मिली है, तेज़ पत्ती और नॉर्मल सा मीठा। अच्छा लगता है यार जब आपने कभी किसी की वीडियो बनाई हो किसी रेस्टोरेंट की, होटल की, किसी की भी, और मुड़ के दोबारा कभी वहाँ पे आओ, ओके भाई अल्लाह हाफिज़, तो वो आपको इतना अच्छा ट्रीट करें, बड़ी मज़ेदार फीलिंग होती है। अभी हम लोग करीमाबाद की सैर करते करते जो है वो हमने पहले वाला खाना अपना थोड़ा सा नीचे किया है, क्योंकि करीमाबाद आने का एक मेन मकसद मेरा ये था कि हुंजा फूड पवेलियन का खाना खाना है। तो हम लोग अभी आए हैं हुंजा फूड पवेलियन, इस पर पूरा एक एपिसोड मैंने मेन चैनल पे पहले बनाया हुआ है। तो यहाँ पे ज़रा बड़ा हैवी सा, मुझे इनका खाना बड़ा पसंद है, बड़ा ऑर्गेनिक सा और लोकल फूड है ऑथेंटिक हुंजा का। हाँ जी, खाने के लिए रेडी जी? तरीफें मैंने कर दी है कि बड़ा मज़े का खाना है। मैंने कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन जितनी तरीफें तुमने कर दी हैं आप तो खाऊंगा। मस्त है भाई। मैं लाहौर बच्चों का एडमिशन करने का गई थी। अच्छा। लेकिन मैंने हेल्पर की तरह नहीं रखा है, जहाँ पे जितने भी काम करते हैं ठीक है, मेरी तरह उनको सब कुछ सिखाया है। क्योंकि मैं यहाँ पे जो भी मटीरियल लाती हूँ बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक यहाँ पे मसाले होते हैं, मैं उनको वन बाय वन सिखाई हूँ कि ये डालना है, ये डालना है, उनको आर्डर के मुताबिक बनाना है। ठीक है। आज मेरे न मैं हूँ या न हूँ, मेरी गैर मौजूदगी में भी वो लोग अच्छा काम कर सकते। आज तक मैंने ये नहीं कहा है कि हुंजा में कोई बुरा बनाते हैं। हाँ। ये जरूर कहा है कोई खातून कोई मैं मेरे जैसे नहीं बना सकेगा, क्योंकि आई मेकिंग ऑर्गेनिक फूड। हाँ, बिल्कुल, मुझे पता बिल्कुल, है। मैंने कभी ये नहीं कहा है कोई बुरा नहीं बनाते हैं, लेकिन मेरे जैसे नहीं बना सकेंगे ये जरूर कहा है। मेरा कुछ अपने आइडियाज भी है। अच्छा, हुंजा फूड पवेलियन पे ये जो आंटी हैं बेसिकली ये इनका है ये सारा सेटअप जो है। तो लास्ट टाइम जब मैं आया था वो पूरा एक एपिसोड मैंने बनाया हुआ है हुंजा फूड पवेलियन के ऊपर, मैं उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसमें पूरी डिटेल है आपको यहाँ पे क्या क्या आके ट्राई करना चाहिए और क्या क्या सीन है। तो आंटी तब नहीं थी, अभी मैं आया हूँ, तो आंटी ने बताया कि काफ़ी लोगों ने आके वीडियोज़ दिखाई और बताया कि इस तरह की एक वीडियो फिर रही है यूट्यूब के ऊपर। इनका जो मेन्यू है ना ये पूरा एक करने वाला एक्सपीरियंस है, इसके अंदर से आप इसकी चीज़ें देखोगे, साथ में कोई दुनिया में रेस्टोरेंट नहीं मिलेगा जो आपको साथ में वो पूरी पूरी रेसिपी लिख के दे रहा है। इनके मेन्यू के अंदर पूरी पूरी चीज़ की रेसिपी है, उसकी हिस्ट्री है, बड़ा आला किस्म का सीन है। अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे बैठ के ज़रा ना अच्छे से खाने खाएंगे, मुझे बहुत पसंद है इनका खाना हुंजा फूड पवेलियन का। आज आपने छप शुरू खाया, इसके अलावा डाउड सूप आपने लिया और गिरगिर आलू, क्या चीज गिरगिर आलू, गियालिन आपने। मजेदार लगा खाना, कैसा लगा? अभी अली भाई मुझे कह रहे थे कि मैं यहाँ पे आके झक मारता रहूँ, मैंने अभी तक हुंजा फूड पवेलियन ट्राई नहीं किया। अभी हमने ग्यालिंग मंगवाए हैं जो इनके हुंजा पैनकेक्स हैं, बड़े ही मज़ेदार, मैंने पहले भी ट्राई किए हैं, तो वो खा लें यार। ये अगर ठंडा हो गया ना तो इतना ज़्यादा मज़ा नहीं करवाएगा, इतना खूबसूरत ये ऐसे एक ही बाइट। ओए होए, कैसे जूस निकला? आंटी हमसे पैसे नहीं ले रही थी, हमने बहुत ज़बरदस्ती पैसे दिए, थैंक यू सो मच, और खाना आपका बहुत मज़े का है। बेटा तो चलो, पहली बात तो पता नहीं चला, अलग बात है, घर बार बार आते हैं तो इंसान को इज्जत करनी पड़ती है, पैसे शैतान का खेल है बेटा, इंसानियत ही लोगों के पास होनी चाहिए। आंटी बहुत शुक्रिया, फिर इंशाल्लाह दोबारा आऊंगा। We met some incredible people here. Wow, exception. Look at this. How are you? Good. Please introduce yourself. We are Steve and Ivana. Okay. Yeah. Jet lag warriors. Okay. Jet lag warriors. आप लोग लाजमी इनका चैनल विजिट करें यार। Thank you. Thank you so much. Awesome. I love you. Okay.
ये हमें एक कपल अभी मिला था यहाँ पे, इन्होंने मुझे अपना चैनल बताया है जेटलैग वॉरियर्स। तो आप लोग जेटलैग वॉरियर्स पे ज़रा जाएं यूट्यूब पे और वहाँ जाके और इनको आप लोग सब्सक्राइब भी करना, पाकिस्तान को प्रमोट कर रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग करीमाबाद में नीचे आ गए हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं करीमाबाद से वापस मीना पेन। और ठंड इतनी ज़्यादा है, अभी हमारे जो है वो ग्लव्स फिर भी आश्रा करवा रहे हैं, वैसे जो हाथ वगैरह जमने शुरू हो गए थे। और इतनी रिच जैकेट पहनी है फिर भी ठंड जो है वो अंदर तक जा रही है, लेकिन जैकेट ने काफ़ी हद तक आसरा करवाया हुआ है। यहाँ से आगे जो है बस हम अब KKS पे जाएंगे, KKS से होते हुए मीना पेन जाएंगे, जाके स्टे करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, वीडियो पसंद आई हो तो मस्त लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें, कुछ भी दिल करे भाई को दुआओं में याद रखना और इंस्टाग्राम पर फॉलो ना करें। बाय 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 गुड नाइट। यार वॉलेट के खाने है मूड काले थे कैफे डी हुंजा, रुक के हम लोग वॉलनट केक खाएंगे।